नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और दो आर्टिकल की आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी बेहतर आर्टिकल हैं ये। पहले नंबर का जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा ये चाइना, इंडिया एंड अफ्रीका, तीन देशों के बीच में कहना चाहिए ये आर्टिकल बेस्ड है। चाइना अफ्रीका फोरम का आयोजन हाल फिलहाल में किया जाना है। चाइना एंड अफ्रीका, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, दोनों देश आपस में बैठेंगे और जो जो चिंताएं हैं, जिन जिन क्षेत्र पर फोकस किया जाना है, उसके ऊपर ये लोग चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब अमेरिका जैसे देश अफ्रीका के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो चाइना भी इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहता है। चाइना ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है अफ्रीका के ऊपर, साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में लोन भी प्रोवाइड करता है चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ को। तो इस प्रकार से देखा जाए, चाइना अफ्रीका के जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उनका दोहन करना चाहता है, साथ ही साथ पूरे दुनिया में अपनी ग्लोबल पोजीशन को स्थापित करना चाहता है। अब यदि हम भारत की बात करें कि भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत भी चाइना की तरह उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर भारत की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है अफ्रीका में। एक और बात यह है कि अभी तक देखा जाए, ये फोरम जो रहा है, ये जो मंच रहा है ना, इसमें अफ्रीका उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके पास में इस प्रकार के एक्सपर्ट लोग नहीं है जो कि अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकें। इसके बाद एक और आर्टिकल है जिसका डिस्कशन यहाँ पर किया जाना है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, अभी हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का कानून चलता है। मतलब ये है कि हमारे देश में यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको हैंडल करने के लिए लोगों का बचाव कैसे करना है, उनको रुपए पैसे से मदद करना है, इन सब चीज़ों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया गया था। अब सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है। कौन कौन से संशोधन इसमें किए जा रहे हैं, कौन कौन सी इसमें कमियां हैं, इसके ऊपर यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह है कि आज के समय में देखा जाए, हीट वेव, क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हीट वेव से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं, फ्लू जिसको बोलते हैं। तो हीट वेव को अभी डिजास्टर की कैटेगरी में नहीं रखा गया। इसका मतलब ये है, हीट वेव से यदि किसी की डेथ हो रही तो सरकार पैसा नहीं देगी। तो इसको, हीट वेव को डिजास्टर की कैटेगरी में रखने की बात यहां पर राइटर की तरफ से बोली जाती है। शुरुआत करते दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि FOCAC से रिलेटेड है। चाइना अफ्रीकन कोऑपरेशन एक संगठन है, एक मंच है जिसकी मीटिंग हाल फिलहाल में आयोजित होने वाली है। इससे क्या आउटकम निकल कर के सामने आने वाला है और भारत इससे क्या सीख ले सकता है, इसके ऊपर इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FOCAC के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये जो मंच है, चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन FOCAC, इसकी स्थापना करी गई थी सन 2000 में, ताकि इन्हेंस किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड अफ्रीकन नेशन। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके साथ में कैसे करके ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे करके चाइना की कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, कैसे करके चाइना वहां से रॉ मटेरियल अपने देश में लाएगा, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी जाती है FOCAC मंच के माध्यम से। ये एक प्रकार से देखा जाए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कलेक्टिव डायलॉग होते हैं, कोऑपरेशन होता है वेरियस सेक्टर में, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ और देख लेते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है, जिसकी लाइन है कुछ इस प्रकार से होने वाली। स्टांस ऑफ अफ्रीकन लीडर्स एट द FOCAC मीट इन बीजिंग,
कुड गाइड इंडिया इन डेवलपिंग इट्स ओन पार्टनरशिप विद कॉन्टिनेंट। इसका मतलब यह है कि इस मंच में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं कौन कौन सी बात रखने वाले हैं ये चीज हमको पता चल जाएगा। इसके बाद भारत कौन कौन से क्षेत्र में काम करेगा वो चीज हम आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ से हमको काफ़ी कुछ सीख मिलने वाली। लेकिन ये तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर ही निर्भर है कि वो कितना बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं चाइना के सामने। हाल फिलहाल में देखा जाए ये जो ग्रुप है, ये संगठन है, ये जो मंच है चर्चा में रहा है क्योंकि 9वें नंबर का जो एडिशन है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, इसकी डेट रखी गई है 4 से 6 सितंबर 2024 और इसका आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। ये इवेंट ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जबकि अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ की करेंसी में गिरावट आ रही है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर प्रजातंत्र ख़त्म हो रहा है, मिलिट्री वहाँ पर टेक ओवर कर रही है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को भी फेस कर रहे हैं ये रीजन, जैसे कि इजराइल हमास वार हुआ है तो क्या इनकी देश की इकोनॉमी प्रभावित हुई है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ हाउ द रेबल्स का अटैक चलते रहता है कमेरिकल शिपिंग के ऊपर मेडिटेरियन सागर में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अफ्रीका अपनी सूची तैयार करेगा और बोलेगा कि हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप ये चीज़ हमको प्रोवाइड करिए। कितना आप एजेंडे को सेट कर पा रहे हैं ये पूरा का पूरा अफ्रीका के ऊपर निर्भर है। हालांकि देखा जाए अभी दोनों ही तरफ से अभी कोई बात एकदम क्लियर नहीं हो पाई है कि कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने वाले हैं। मतलब हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट ना ही कोई पेपर रिलीज किए गए हैं चाइनीज स्ट्रेटजीज क्या होने वाली है अफ्रीका में। यहाँ पर हमको ये भी नहीं पता चला है कि क्या पेपर या फिर क्या स्ट्रेटजी अफ्रीकन साइड से रखी जा रही है। अब वहीं यदि हम देखें ना तो अफ्रीका अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं रख पा रहा है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अफ्रीकन स्टेट कैपेसिटीज काफ़ी कम है, उसके पास एक्सपर्टाइज कम है, साथ ही साथ पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है ताकि आप अंडरस्टैंड करेंगे कैसे करके चाइना और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो काम करती है। इसके अलावा जो अफ्रीकन गवर्नमेंट है हैव बीन अनेबल टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपर्टाइज ऑफ चाइना। इसके अलावा जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपर्टाइज है चाइना की, आप उस चीज़ का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है। चीन की विशाल सांस्कृतिक और भाषाई विशेषज्ञता का लाभ उठा आप नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो अफ्रीकन एजेंसीज है गेट्स कॉन्स्टेंट विच रिजल्ट इन एजेंडा बीइंग ड्रिवन बाय चाइनीज साइड एंड अफ्रीकन नेगोशिएशन बीइंग ऑन द बैक फुट। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि अब अफ्रीका तो अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं रख पा रहा है तो अब फिर यहाँ पर चाइना के चलने लग जाती है। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन प्रायोरिटीज क्या क्या होने वाली है इस मंच में सन 2024 में। अब जैसे चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना सोचता है कि हम यहाँ से ज़्यादा रॉ मटेरियल लेंगे और उसको प्रोसेस्ड करके फिर बेचेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट से देखा जाए बीजिंग का एम्बिशियस टारगेट रहा है कि हम $300 बिलियन इम्पोर्ट करेंगे, इतनी कीमत का गुड्स इम्पोर्ट करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज से 2022 से 2024 के बीच में। अभी तक दोनों देशों के बीच में यदि ट्रेड की बात करें तो काफ़ी बेहतर रहा है दोनों देशों के बीच में ट्रेड। चाइना का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम है यदि हम बात करें जनवरी से जुलाई 2024 के बीच में, तो चाइना और अफ्रीका के बीच में ट्रेड कितना हो गया है भाई, बढ़ कर के $167 बिलियन। वहीं यदि हम बात कर लें चाइनीज एंड अफ्रीकन एक्सपोर्ट की तो चाइना $97 बिलियन, अफ्रीका $69 बिलियन, मतलब उतना ज़्यादा ये लोग घाटे में नहीं चल रहे हैं जितना चाइना और इंडिया चलता है। साथ ही साथ दो तिहाई
जो ट्रेड का हिस्सा है वो रॉ मटेरियल का ही होता है। इसका मतलब ये है अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास में संसाधन बहुत सारे अवेलेबल हैं, बस वही है कि आप उनका कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। अब चाइना सोचता है कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, मतलब जो अफ्रीका की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको कैसे करके और हम आगे ले जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग को बेहतर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं, ड्रोन स्थापित करना, सैटेलाइट का सहारा लेना ताकि किसानों को अलर्ट किया जा सके कि सुनामी आने वाली है, बाढ़, ओला, तुषार, कोहरा, दुनिया भर की जानकारी दिया जा सके। इस मामले में सस्टेनेबल एंड रोबस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री स्थापित करना काफ़ी इम्पेरेटिव हो जाता है। अफ्रीकन जैसी कंट्री में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्रोसेसिंग होती है वो हाथ से किया जाता है, जैसे कि धान से यदि उसका बीज निकालना है तो, या फिर सोयाबीन से उसका बीज निकालना है, तो ये सारे काम वहाँ पर मैन्युअली ज़्यादा किए जाते हैं। इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है और कहना चाहिए मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। ज़्यादातर यहाँ पर हमको बेसिक प्रोसेसिंग घर में ही देखने को मिलती है, जैसे कि रोस्टिंग रॉ केसू नट्स रिमेन ए चैलेंज, तो काफ़ी चैलेंजिंग वाला काम हो जाता है। तो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं ना, दोनों के पास में सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे करके जो स्मॉल स्केल फार्मिंग है इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्रॉप का डेवलपमेंट करना, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कि सूट करेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए उनके पास में राइट एक्सपीरियंस है, राइट टूल्स हैं ताकि आप सपोर्ट कर सकें अफ्रीकन एग्रीकल्चर को कि आप जो है और भी ज़्यादा क्लाइमेट रिजिलेंट बन सकें। साथ ही साथ सैटेलाइट सिस्टम स्थापित किया जा सकता है ताकि वेदर की फोरकास्टिंग हो सके, ये काफ़ी मदद करने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद ग्रीन एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इस मामले में भी चाइना कहाँ कहाँ पर फोकस करेगा, जैसे कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको आप इनक्रेज करिए कि उनकी जो इंटरनेशनल पार्टनर हैं उनके साथ आप इस्टेब्लिश करेंगे और भी ज़्यादा रिफाइनिंग एंड प्रोसेस्ड हब्स को। का मतलब ये है अफ्रीका की जो कंट्रीज़, अफ्रीका के जो देश हैं वो रिफाइनिंग का काम करें, प्रोसेसिंग के हब के तौर पर उभरे इंटरनेशनल लेवल पर। इस मामले में भी उनको काम करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ लिथियम की रिफाइनिंग की यदि हम बात करें, जिम्बाब्वे में चाइनीज़ कंपनीज क्या काम कर रही हैं, बेसिक लिथियम रिफाइनिंग का काम कर रही हैं टू मूव अप द वैल्यू चेन एंड प्रोड्यूस बैटरी ग्रेड लिथियम। इससे क्या होगा, जो बैटरी बनाने वाला लिथियम है ना उसका प्रोडक्शन हो पाएगा। कुछ और फैक्टर ऐसे हैं जो कि चाइना की कंपनियां इंडिया की कंपनियों को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज यहाँ चलता है, पावर जनरेशन यहाँ पर बहुत कम है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड गवर्नेंस कॉस्ट भी देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप ये भी ध्यान रखिए कि चाइना अफ्रीका में बहुत सारा पैसा डाल चुका है। पैसा डालने का मतलब ये है कि उसने कर्जा बहुत बांटा है, वहाँ पर कर्जा बांटा है तो क्या वो उसको वापस लेगा, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि कर्जा बांटने में तो चाइना आगे है लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता है। इसका मतलब ये है माफ़ यदि करेगा भी ना तो वो छोटा मोटा लोन ही माफ़ करेगा, बड़े लोन को तो वो माफ़ करने नहीं वाला है। 2000 से लेकर के 2022 तक 170 बिलियन डॉलर बांटा जा चुका है चाइना के द्वारा। ये डेटा हमको पता चला है बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर के माध्यम से। हालांकि देखा जाए ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन नेशंस में चाइना अकेला ही लोन बांट रहा है, अफ्रीका की पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट में मात्र 12% हिस्सेदारी है चाइना की। तो बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि चाइना ने एकदम अफ्रीका को पूरा लोन के जाल में ही फंसा डाला है। यहाँ पर कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि ओपेसिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नॉन डिस्क्लोजर क्लास ऑफ डेब्ट, एंड तो अब कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई कागज़ पेपर नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में गड़बड़ी आना जाहिर सी बात है। अब ऐसा है कि बहुत सारे देश
लोन को नहीं चुका पाएंगे तो क्या चाइना माफ़ करेगा? तो छोटे मोटे को तो माफ़ कर देगा, लेकिन बड़े डेब्ट को, बड़े लोन को माफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो मंच बनाया गया है, इस मंच का, इन मीटिंग्स का अफ्रीका को कितना फ़ायदा मिला है? प्रीवियस इंस्टांसेस से यदि हम देखें तो उतना बेहतर तरीके से इंगेजमेंट नहीं रहा है अफ्रीकन साइड का। इसी के चलते चलते तो कहते हैं कि आप जो है अपना एजेंडा को उतना बेहतर तरीके से ड्राइव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसलिए आप ये कह सकते हैं जो अफ्रीकन गवर्नमेंट है वो देख रहे हैं कि कैसे करके हम हमारी नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे चाइना के प्रति, कैसे करके हार्मोनाइज करेंगे अफ्रीकन पोजीशंस को FOCAC समिट के पहले ही। एंड अफ्रीकन कंट्रीज विल कंटिन्यू टू डी एम्फेसाइज एड, वो हमेशा यही सोचेंगे कि हम चाइना के लोन वाले जाल में ना फंसें, फोकस करेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन में, एग्रेसिव परस्यू प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन में। वो ये चाहेंगे कि हमारा जो, हमारे पास में जो संसाधन अवेलेबल हैं उनमें हम वैल्यू एडिशन का काम कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की और अफ्रीका के रिलेशनशिप की। अब ऐसा कई लोग बोलते हैं कि भारत चाइना की नकल कर रहा है, जैसा जैसा चाइना कर रहा है वैसा वैसा भारत भी करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत को चीन, अफ्रीका के रिलेशनशिप से, इस मंच से क्या सीख लेने की ज़रूरत है। असल बात तो ये है कि भाई हम ICT, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर ज़्यादा अभी तक फोकस कर रहे हैं। हमारी कुछ स्ट्रेटजी कहना चाहिए अलग से चल रही है। अब भारत को चीन अफ्रीका के इस मंच से क्या सीख लेने की ज़रूरत है? पहले नंबर की बात तो ये है कि अफ्रीका के साथ में आपको इंगेजमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अपना इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप चाइना का, अमेरिका का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, लास्ट इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS का आयोजन जो है 2015 में किया गया था। इसके अलावा कुछ डायलॉग हैं जैसे कि CII, एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव, इसके अलावा इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है देखा जाए रेगुलरली आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया चाहता है कि हम कैपिटलाइज करेंगे इस मोमेंटम को, ठीक है, क्योंकि अब ये अफ्रीकन यूनियन में शामिल हो चुका है, मतलब जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 में शामिल हो चुका है जो कि इंडियन प्रेसिडेंसी रहा था। इट मस्ट होल्ड द IAFS 4 एट द अर्लीस्ट। इसका मतलब ये है कि भाई कैसे ना कैसे करके जो IAFS का नेक्स्ट मीटिंग है ना, उसको हम जल्दी से जल्दी आयोजित करें। साथ ही साथ इंडिया अफ्रीकन यूनियन ट्रैक 1.5 जो डायलॉग हैं, इसकी भी स्थापना करी जा सकती है ताकि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले इशू हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। ये चीज़ हम कब करेंगे? दिस मस्ट बी डन आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विथ अफ्रीकास 8 रिकोगनाइज्ड रीजनल इकोनॉमिक कमिटीज़। ये सारी चीज़ कैसे करके होंगी? हमको अफ्रीका की जो 8 रिकोगनाइज रीजनल इकोनॉमिक कमिटीज़ हैं उनके साथ में बातचीत करना पड़ेगा। एंड वहीं यदि हम अफ्रीकन साइड की बात करें तो अफ्रीका ये सोचेगा कि इसका आयोजन हमारे देश में ही होना चाहिए, अदिस अबाबा में हम रखते हैं। इथोपिया की बात करें, विच इज़ द सीट ऑफ अफ्रीकन यूनियन कमीशन। एडिशनली द EU शुड लुक टू एस्टेब्लिश ए रीजनल ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड स्ट्रेंथन रेगुलर कंसल्टेंट। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन ये सोचता है कि हम एक ऑफिस खोल लेते हैं नई दिल्ली में ताकि रेगुलर कंसल्टेशन हो सके भारत के साथ में। इसके अलावा अगला जो कदम उठाया जा सकता है वो ये है कि अफ्रीकन इकोनॉमीज़ को कैसे करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्लोबल वैल्यू चेन एंड अफ्रीका की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है? तो ये सेक्टर के नाम आप दे, जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल है, मैन्युफैक्चरिंग है। एंड हमको मैन्युफैक्चरिंग बेस की स्थापना करना पड़ेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इससे
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा एंड कुल मिलाकर के लोकल मार्केट को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है फार्म मैकेनिज़म में, फूड प्रोसेसिंग, इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि फूड स्टोरेज को बेहतर बनाया जा सके, वेस्टेज को कम किया जा सके। साथ ही साथ प्रमोट किया जाने की ज़रूरत है ट्रिपल ए को, अफोर्डेबल एप्रोप्रिएट एंड एडाप्टेबल टेक्नोलॉजीज़ को। तीसरे नंबर की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनियां ही यहां पर काम करेंगी, भारत की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी यहां पर आकर के काम कर सकती हैं। इंडियन जो स्ट्रेटजिक बिजनेस है, बिजनेस इंटरेस्ट है अफ्रीका में, इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप इंडियन बैंक को सपोर्ट करिए, इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करिए लो कॉस्ट क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। इससे जो भारत की कंपनियां हैं वो कंडक्ट कर पाएंगी फिजिबिलिटी स्टडीज़ को, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, ताकि क्रिएट कर किया जा सके बैंकेबल प्रोजेक्ट को। फाइनली बात करी जाती है टेक्नोलॉजी यूज़ को लेकर के, ठीक है। इंडिया की जो खुद की डिजिटल स्टैक है, मतलब डिजिटल इंडिया में डिजिटल प्रोग्राम है भारत के, जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, जनधन टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सहायता कर सकती हैं डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अफ्रीका के साथ में। इसके अलावा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई सिस्टम है, रुपए सर्विस है, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड करी जा चुकी है मॉरिशस जैसी कंट्री में। वहीं यदि हम बात करें केन्या, नामीबिया, घाना, मोजाम्बिक, यहाँ पर इन कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हम जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। एडिशनली देखा जाए, यदि हम स्ट्रेंथ करना चाहते हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को एंड रिड्यूस करना चाहते हैं फॉरेक्स के इशू को, तो जो रुपी बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट है मस्ट रिप्लेस डॉलर बेस्ड वन। डॉलर सिस्टम को ख़त्म करो, रुपया पैसा लोकल मुद्रा में ट्रेड करो, ये एक मंत्र होना चाहिए। इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखने वाले हैं भारत सरकार किस प्रकार से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसमें संशोधन करना चाहती है। लेकिन अभी नया जो बिल सरकार लेकर के आई है, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, जैसे कि ये टॉप डाउन अप्रोच को एक्सेप्ट करता है। इससे जो वाइटल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है हमारे देश में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, वो प्रभावित होगा। फेडरलिज्म का मतलब ये है हमारे देश में शासन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके चला रही हैं। तो इस प्रकार से डिजास्टर यदि आ रहा है किसी स्टेट में, तो उसको मैनेज करने के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के काम करेंगी। लेकिन हाल फिलहाल में अभी आप कुछ समय पहले देखोगे ना, जैसे कि केरला में बाढ़ आई थी, तमिलनाडु में कहीं कोई डिजास्टर आया है, तो ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर पूरा निर्भर हो जाती हैं कि काश 2-4 रुपए हमको मिल जाता तो हम हमारे राज्य में डिजास्टर से बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ पाते। और इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कुल मिलाकर के देखा जाए डिजास्टर अमेंडमेंट बिल 2024 में। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ रहती है यदि डिजास्टर से लड़ाई लड़ना है तो वो फंडिंग ही होती है, और फंडिंग में यदि राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो यहाँ पर बात पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। हाल फिलहाल में देखा जाए, ये जो कानून है न्यूज़ में रहा है क्योंकि 1 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में। इस बिल में हमको सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो रुपया पैसा है इसमें नेशनल लेवल पर, उसमें ताकत किसकी रहेगी? केंद्र सरकार की ही रहेगी। इसलिए इसको हैवीली सेंट्रलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट बोला जा सकता है। पहले भी ऑलरेडी से 2005 का जो कानून था वो ज़्यादातर केंद्र सरकार के पास में ही पावर रखता था। 2024 का जो कानून आया है वो भी कुछ इसी प्रकार का आया है, इसलिए हमको यहाँ पर ज़्यादा कोई खास संशोधन देखने को नहीं मिला है। कौन कौन से प्रावधान इसमें किए गए हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ की स्थापना किया जाना, बहुत सारी कमेटियों
का निर्माण किया जाना, जो कि ऑलरेडी से 2005 के कानून में हमको देखने को मिला है। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। फिर दूसरे नंबर का जो प्रावधान है वो है स्टेटरी स्टेटस टू प्री एक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजास्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको स्टेटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है इस बिल के माध्यम से। इस बिल में ये प्रावधान किया गया है कि हम स्टेटरी स्टेटस प्रोवाइड करेंगे प्री एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, हाई लेवल कमेटी, कॉम्प्लिकेटिंग द चेन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड इन केस ऑफ डिजास्टर। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है यदि आप डिजास्टर को मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की बात ये है, वहीं यदि हम रिपरकसन की बात करें स्टॉप डाउन अप्रोच की, तो इस अप्रोच से डिले काफ़ी हो जाता है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अब राज्य सरकार पैसा की डिमांड करेंगी केंद्र सरकार से, पता नहीं कब पैसा रिलीज होगा, कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद अथॉरिटीज़ को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। टू स्ट्रेंथन अथॉरिटी द वर्किंग ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको क्या काम करना है, मजबूत करना है, इसका जो कामकाज है उसको मजबूत करना है, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें, साथ ही साथ नेशनल लेवल प्लान को आप क्या कर सकें, लागू कर सकें। इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को स्टेट कैपिटल्स के लिए एंड सिटीज़ के लिए विथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एक और चीज़ की स्थापना की यहाँ पर बात करी जा रही है कि हम एक काम करते हैं, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हम लाएंगे, ताकि स्टेट की जो कैपिटल है, राज्य की राजधानी है, वहाँ काम करेगी, वहाँ की सिटी में काम करेगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इसमें हेल्प करेगा। लेकिन आप इतनी सारी चीज़ें स्थापित कर दे रहे हैं, हम सोचे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे फंक्शंस का, लेकिन आपके पास यदि पैसा ही नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं दोगे राज्यों को, तो ये चीज़ संभव नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो सेंट्रलाइजेशन है वो काफ़ी कंसर्न वाली बात यहाँ पर